वेलकम साइंस एम के। चले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, नर्सिंग वालों के साथ सभी के लिए यहाँ पर लेटेस्ट भर्ती रिलीज हो चुकी है पेशेंट सेक्टर से। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नर्सिंग वालों के साथ साथ जो लैब असिस्टेंट डिपार्टमेंट है उनके लिए भी वैकेंसी निकल चुकी है, और यहाँ पर अदर जो डिपार्टमेंट है वहाँ से भी वैकेंसी निकल चुकी है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा क्राइटेरिया यहाँ पर आ चुका है। ये देखिए काफ़ी सारी वैकेंसी यहाँ पर है मेडिकल डिपार्टमेंट से, स्वास्थ्य विभाग से। आप अप्लाई कर सकते हो आपके मोबाइल से घर बैठे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, असिस्टेंट की है ना, असिस्टेंट वार्डन की है, स्टेनोग्राफर की है, नर्स की है, लैब असिस्टेंट की है, तो काफ़ी सारी वैकेंसीज है। और यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो पेशेंट सेक्टर से, और नर्सिंग वालों के तो हर सेक्टर में डिमांड है। ये देखो राष्ट्रीय पेशन प्रौद्योगिकी की संस्था से निकली है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हमने आपको दिखा दिया है। इसका पीडीएफ भी चलिए हम आपको दिखा देते हैं। सो गाइज, हम आ चुके हैं इसके पीडीएफ फॉर्मेट में। यहाँ पर आपकी योग्यता चेकआउट हम करने वाले हैं, और साथ में आपके एप्लीकेशन फीस कितना लगने वाला है, सैलरी कितनी मिलने वाली है, ये सब जानकारी हम यहाँ से गेन करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारी वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है, तो हमको जो पहले नर्सिंग की डिटेल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर नर्स के ग्रुप सी के लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 27 एज लिमिट यहाँ पर दे रखी है, NIFT की तरफ से ये निकली हुई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो BS नर्सिंग वाले अप्लाई करेंगे, पोस्ट BS नर्सिंग वाले अप्लाई करेंगे, JNM वाले अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। पूरे के पूरे ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट। ओके, इसके बाद आता है काफ़ी सारी वैकेंसीज यहाँ पर दे रखी है, लैब असिस्टेंट की भी है ना, तो चलिए चेकआउट हम कर लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हमने कर लिए, और इसकी एप्लीकेशन फीस कितना लगने वाला है, ये देखो काफ़ी सारी वैकेंसी यहाँ पर आप देख लेना, PDF तो हम आपको सेंड ही कर देंगे। ये देखिए, तो चलिए यहाँ पर सारी सुविधाएँ आपको मिलेगी। ये देखिए पूरी की पूरी एप्लीकेशन फीस कितना लगने वाला है यहाँ पर देख लो आप, मात्र आपके 590 590 रुपये आपके लगने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये आपका पेमेंट लगने वाला है। अप्लाई कैसे करना है, देखो अप्लाई आपको क्या है इसका एक फॉर्मेट है, और इसका फॉर्मेट चलिए अभी हम आपको दिखा देंगे। वो फॉर्मेट भर के ना आपको ये जो एड्रेस दिखा रखा है, जॉइंट डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट पेशेंट टेक्नोलॉजी कोलकाता, पिन कोड यहाँ पर दिखा रखा है, अंडरलाइन कर दी मैंने ये सारी की सारी, ये एड्रेस पे आपको भेजना होगा, सबमिट करना होगा। ये देखिए ओके, इतना सा काम आपको करना होगा, और यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट यहाँ पर दे रखा है, रिटर्न जो भी रिटर्न एग्जाम अगर ये लेंगे, क्योंकि ये परमानेंट है ना आपके लिए, परमानेंट जॉब में तो यही होता है कि आपका इंटरव्यू लिया जाता है या फिर रिटर्न टेस्ट यहाँ पर लिया जाता है, तो उस बात का थोड़ा ध्यान रखना होता है, परमानेंट जॉब का यही है। तो लास्ट डेट यहाँ पर 11 मार्च 2022 5:30 बजे तक का टाइम है। मैं तो कहता हूँ जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दो वहाँ पे। ओके, एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, ये भी अच्छी बात है। यहाँ पे देख लो एज का रिलैक्सेशन है यहाँ पर 5 ईयर SC ST वालों को, 3 साल का OBC वालों को, तो एज का आरक्षण यहाँ पर दे रखा है, तो आप 27 से बढ़ा के आगे भी कर सकते हो, 30 तक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अच्छी बात है। अब यहाँ पर स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर रिटर्न टेस्ट लेने वाले है और स्किल टेस्ट आपका लेने वाले हैं। ओके, इंपॉर्टेंट इंट्रक्शन यहाँ पर आप देख सकते हो, और इसका जो फॉर्मेट है ना, चलो वो किस प्रकार का दिखाई देता है वो उसको देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेशेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट है, ये आपको भरना होगा, और इसका प्रिंट आउट निकलवा के आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर जो पोस्ट है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट निकली हुई है, तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं उसका नाम यहाँ पर फिलअप कर देना, और यहाँ पर रुपीज जो मैंने आपको बताया पेमेंट कितना 590 रुपीज, डेट यहाँ पर मेंशन कर देना कौन से बैंक से पे किया वो आपको करना होगा। अब आपका फुल नेम, जेंडर आप मेल हो फीमेल हो, मेल हो तो ये कर देना, फीमेल हो तो ऐप कर देना, ठीक है। अब आपकी जो मैरिज लाइफ है, अनमेरिड हो या सिंगल हो, ठीक है, तो आप अधिकतर सिंगल ही होंगे तो सिंगल कर देना, अगर मैरिड है तो मैरिड कर देना। फुल नेम आपको अपनी मार्कशीट में देख के भर लेना है, फादर्स नेम मार्कशीट में देख के भर लेना है, मदर्स नेम मार्कशीट में देख के भर लेना है, अगर मिडल नेम है तो मिडल नेम भी भरना है, अगर लास्ट नाम है तो वो भी भरना है, अगर नहीं है तो फिर नहीं भरना है, ठीक है।
तो पूरा का पूरा आपको भरना होगा। स्पॉन्स नेम अगर है तो भी फिलअप करना है, और यहाँ पर एड्रेस पूरा देना है। एड्रेस तो आप अपनी आईडी में देख सकते हो, आईडीएन के आधार हो गया, पेन हो गया, उसमें दे रखा होता है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ 10वीं की मार्कशीट में मिल जाएगी, वो भरना है। एज यहाँ पर आप भर सकते हो। कैटेगरी आप जनरल के हो, एससी के हो, एसटी के हो, ओबीसी के हो, जो भी हो आप, आपको भरना होगा, उस पर आपको टिक लगाना होगा। नेशनलिटी हो इंडियन हो आप, ठीक है। रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो भी हो, ठीक है। और अब आता है आपका कोर्स, तो कहाँ से किया था आपने कोर्स, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया, कब किया, कितने में से कितने परसेंटेज आपने बनाए, कितने में से कितने नंबर आप लाए, ये आपको बेसिकली भरना होगा इस फॉरम में। ये डिटेल आपको भरनी होगी। ये देखिए, तो यहाँ पर एक और है 17 पे, देख लो, स्पेशल अवार्ड। ये आपको बेसिकली भरना होगा, पहले डेट और यहाँ पर सिग्नेचर अवश्य कर देना। जैसे आपका एक फॉर्मेट फिलअप हो जाता है लिफाफे में बंद करके, जो एड्रेस मैंने आपको दिया था वैसे आप यहाँ पर एड्रेस दे सकते हो। ये पिन कोड यहाँ पर दे रखे हैं, तो आप भेज सकते हो। ये देखिए, ये एड्रेस मैंने आपको वीडियो को देखो टेलीग्राम पर भेज देंगे, वो नथिंग वालों के लिए कभी कैसे आती रहती है, काफ़ी सारी कैसे है। भले ही यहाँ पर नंबर ऑफ कॉस्ट कम थी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो काफ़ी कम यहाँ पर दे रखे हैं नंबर ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर शायद 1-2 के करीब काफ़ी सारे नर्सिंग के आप देख सकते हो। ये वाली, ये वाली कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो आपका ग्रेजुएशन यहाँ पर यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी से रखा हो अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत बात यहाँ पर नहीं। सो गाइज, अगर आप वहाँ पर इंटरेस्टेड हो जहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट अधिक है, तो कल हमने टेलीग्राम पर भेजा था आपको ये वाला वीडियो, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर 4050 वैकेंसी है स्टेट हेल्थ बिहार में, ये जहाँ पर अधिक नंबर ऑफ पोस्ट है तो ये स्टेट हेल्थ सोसाइटी भी नर्सिंग हर जगह पोस्ट। ये वाला देख लो, आप न्यूक्लियर में अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी, टाटा मेमोरियल में अप्लाई कर सकते हो। तो टेलीग्राम पर आप जाओगे ना तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। एमकेएस प्रोफाइल नाम है टेलीग्राम का, लिंक नीचे दे रखा है, आपका दिमाग खुल जाएगा कि नर्सिंग में इतना स्कोप है वाकई नहीं। तो जाइए, लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में।